अंजनो कश्यप और रूबिका लियाकत का गेटअप ऐसे बहुत समय वो दोनों सेम लगते हैं देखने में। होते हैं पिछले जन्म की जुड़वा बहनों। पिछले जन्म की है, इसी जन्म के हो सकते। पिछले जन्म में बिछड़ गए थे, इस जन्म में मिल जा रहे हैं, समझो जरा जज्बात को समझो। डोंट टेल मी एआई आजकल इस लेवल पे एडवांस हो गया कि रूबिका लियाकत नहीं आ पाती तो अंजना ओम कश्यप पे एआई डाल के। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कुछ भी पॉसिबल है आज के जमाने में। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं जल्दी से कमेंट में बताइएगा। हम लोग बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आए एक बहुत ही मजेदार, धमाकेदार, बवालेदार वीडियो। दोस्तों वीडियो में आप देख पाओगे रूबिका लियाकत की हो रही है जबरदस्त तरीके से धजाई धुलाई 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 धजियाई धजियाई उड़ाई। एक सेकेंड मैं बताना चाह रही हूँ, आजकल आई डोंट नो बहुत समय ऐसा होता है अंजना ओम कश्यप और रूबिका लियाकत का गेटअप ऐसे बहुत समय वो दोनों सेम लगते हैं देखने में। होते हैं पिछले जन्म की जुड़वा बहनों। पिछले जन्म की है, इसी जन्म के हो सकते। पिछले जन्म में बिछड़ गए थे, इस जन्म में मिल जा रहे हैं, समझो जरा जज्बात को समझो। डोंट टेल मी एआई आजकल इस लेवल पे एडवांस हो गया कि रूबिका लियाकत नहीं आ पाती तो अंजना ओम कश्यप पे एआई डाल के। कुछ भी पॉसिबल है आज के जमाने में। So, दोस्तों बता दें ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, नाम सुन के आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हमने सोचा आप लोगों के लिए लाते हैं। तो वीडियो का नाम है मोहम्मद शमी एपिक डिस्ट्रॉयज रूबिका लियाकत, गोदी मीडिया कॉमेडी गोदी वीक ऑफ द वीक रोस्ट गोदी मीम्स। और जो ये चैनल है उसका नाम है द नेशन लाइव। जी हाँ, द नेशन लाइव का चैनल है जिन्होंने ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। यस, पर उससे पहले एक सेकंड निकाल के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से अंगूठा दबा कर उसे लाल से ब्राउन करते हैं या कहते ग्रे कर दे, लेकिन जरूर से दबा दे अंगूठा। चलिए दोस्तों वीडियो प्ले करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि आगे वीडियो में इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने गोदी मीडिया की स्टार एंकर रूबिका लियाकत की गजब धुलाई की है। मोहम्मद शमी गोदी एंकर के हर सवाल के जवाब में गोदी मीडिया को जबरदस्त आईना दिखा रहे हैं। उनकी इस हाजिर जवाबी पर वहां खूब तालियां बजाते हुए शमी का समर्थन करती दिखाई दी। रूबिका लियाकत बार बार शमी के मुँह से मौजूदा सरकार की तारीफ निकलवाने की बेहिसाब कोशिशें करती रही, लेकिन मोहम्मद शमी उसे इग्नोर करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने लगे। वीडियो के आखिर में तो रूबिका लियाकत अपनी चाटुकारिता का सबूत देते हुए फिर से शमी के मुंह से सरकार की तारीफ निकलवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी ने गोदी एंकर को जो धोया है वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। वो लोग जो बार बार आपको और खासकर पाकिस्तान से कहते रहते हैं, और चूंकि आज चौपाल के मंच पर आप मौजूद हैं, वो कहते हैं कि भाई सजदा करने बैठा था कर नहीं पाया, खौफ इतना था उसे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाया, जहाँ मैं चाहूंगा मैं वहाँ पर सजदा करूंगा। ना तो सजदा मैंने कभी ग्राउंड पे तो किया नहीं है, उससे तो हर इंसान डरता है, उसकी चौखट पे जाके तो हर आदमी झुक जाता है, लेकिन मैंने कभी ग्राउंड पर सजदा किया ही नहीं है और ना मेरे दिमाग में ऐसा था। 5 विकेट मैंने पहले भी लिए। मैं इंडियन हूँ, फख्र से कहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ ये भी मैं फख्र से कहता हूँ। अगर मुझे सजदा करना है तो मुझे कोई धर्म कोई इंसान कोई नहीं रोक सकता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे आपको तो बकायदा गले भी लगाया था, आपको लगता है कि ये जरूरी था? आप चाहेंगे कि आगे भी जीत हो के हार हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए खिलाड़ियों से बात करें? देखिए हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप उसको बदल नहीं सकते। एक टीम को हारना है, एक टीम को जीतना है, वो तो एक पार्ट है उस गेम का। एक अच्छाई, एक लीडरशिप वहीं पे दिखती है जहाँ पे आप नीचे लगे हो या ऊपर चढ़े हो, उसमें कोई फर्क, उसको कोई लेवल दिखाई नहीं देता। वो अपने टीम के साथ है, अपनी यूनिट के साथ है, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये आए इसलिए हार गए, पनौती जैसे शब्दों का भी बकायदा इस्तेमाल हुआ था, और आपने सुना होगा, मैं मुझे यकीन है। ये तो अब पॉलिटिकल एजेंडे हैं, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता। अब किसी के आने से या किसी के जाने से हमें ग्राउंड में क्या फर्क पड़ रहा था? हम अपना 100% दे रहे थे वहाँ पे, हम अपना जान लगा रहे थे वहाँ पे, कोशिश ये कर रहे थे कि ये ट्रॉफी जो सामने रखी है ये हमारे पास रहे, हमारे देश के पास रहे, बाकी हमें कुछ नहीं दिखता बाहर कौन क्या कर रहा है, क्या कर क्या नहीं कर रहा है। शमी भाई इसीलिए क्योंकि आप यहाँ अकलियत से ताल्लुक रखने वाले, माइनॉरिटी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान हैं, आप उन तमाम लोगों को चौपाल के इस मंच से क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अब यहाँ जीना बदहाल हो गया है, उनको कोने में घसीट दिया गया है? और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, वो लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं,
यहाँ पर हर जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और मुसलमान अभी डरा हुआ है बहुत, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, आप ईमानदारी से जवाब देने वालों में से एक हैं। नहीं यार, जहाँ तक सवाल हिंदू या मुसलमान का है, देखो सबको हक बराबर मिला है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती या यहाँ पे कोई परेशानी होती तो हम ही नहीं होते, या जहाँ पर किसी भी नॉन मुस्लिम को अगर परेशानी होगी तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता। सॉर्टेड आंसर, वो सीधी सी बात है। अब जहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसी जो क्रिएट आपने सोशल मीडिया पे भी देखी हैं कि जय श्री राम के नारे लगे हैं या फिर कुछ दंगे फसाद हुए, तो वो लोग चाहते ही वो हैं, उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, मेरे विलेज की मैं बात करता हूँ, हमारे में आधे आधे लोग हैं, बीच में से एक रोड गई है, आधे इधर है आधे इधर हैं। आप यकीन नहीं करोगे, एक दूसरे के जो फेस्टिवल होते हैं उन पे ऐसे जाते हैं, सुनो खुद का यूनिटी देखने को मिलता है। आप यकीन नहीं करोगे, जब होली आती है, होली का जब वो आग जलाते हैं ना वहाँ पे, वो लोग इनवाइट करते हैं हम लोगों को, हम लोग जाते हैं, हमारे ऊपर एक छींट होली की नहीं आती है और हम उनके घर खाना खाते हैं। हर धर्म में आपको 10-5 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो सामने वाले को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे उस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे वो सजदे वाली बात आई थी, अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? हजार बार बोलो ना, आप हजार बार बोलो। अगर मुझे अल्लाह अकबर बोलना है तो मैं 1000 बार बोलूंगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है? इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है, किसी का कुछ आता नहीं है, लेकिन भाई जो गेम खेलता है वो खेल सकता है। मतलब कोई ऐसी चीज होगी ना जिससे चिड़मचती होगी, गुस्सा दिला देता होगा या नहीं? मुझे एक ही चीज है, किससे चिढ़ते हैं आप सबसे ज्यादा? किस चीज से चिढ़ते हैं? चोरी चकारी से। यार अगर आपका प्रोफेशन है आप अपने आप से चोरी कर रहे हो, मतलब आप धोखा दे रहे हो सामने वाले को भी, फैमिली को भी और खुद को भी, तो मेरे हिसाब से सबसे गंदी चीज है वो, तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत स्मार्ट बन के दिखाते हैं, बहुत होते हैं सामने धज्जियां उड़ा दिया, कैसे हैं वो आपको भी पता होता है कि इंसान कैसा है। आप सामने ना बोलो लेकिन पीछे जरूर बोल दोगे उसके, इसकी औकात तो मैं पता है। गजब बेइज्जती है। आप मुझे चैलेंज दो, मैं आपको चैलेंज दूंगा। फिर वो कौन सी गलती है? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? अब एक फिल्म बनेगी, मोहम्मद शमी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? यार आता है गुस्सा भाई, आता है, आएगा। अगर ऐसा नहीं आता, बोला ना अभी सामने बोल रहा है, चाटुकारिता मत। मुझे दिख रहा है आपको, आप अपने टैलेंट पे, अगर जस्ट जो टैलेंट है आप, या तो टैलेंट वेस्ट कर रहे हो आप, ये आपके लिए टाइम पास होता है? अभी अभी आ रहा है, क्योंकि यार हम बोल किसी और वे में रहे, हम किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हो एग्जैक्टली, कभी जातिवाद में ले जाते हो, कभी पॉलिटिक्स में ले जाते हो, कभी क्रिकेट पे चल देते हो आप। मैं कहता हूँ ब्लॉक करना चाहिए इन सब चीजों को, जो फालतू के जो मीम बनाते हैं, ब्लॉक कर देना चाहिए इनको। 14 से लेकर 2024 आप ये कह रहे हैं, बहुत शानदार रहा 23-24। आप ये कह रहे हैं कि शानदार यूनिट जो है टीम इंडिया ने, शानदार यूनिट की तरह काम किया है। इंडिया एज अ कंट्री उसने कैसे काम किया है? हिंदुस्तान भारत ने कैसा काम किया? ये टीम इंडिया ने कैसा काम किया? अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो गई हैं फैमिलीज के, हाँ क्रिकेट में भी भेजना शुरू किया है, अदर स्पोर्ट्स में भी भेजना शुरू किया है, अब पढ़ने के लिए भी लोग बाहर बाहर भेज रहे हैं लोगों को, तो फ्यूचर में तो और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं ये 10-20 साल में पूरे। तो जो पहले इंडिया था, जो घर से गांव से बाहर नहीं जाते थे, आज देख लो ना कहाँ कहाँ हो चुके हैं, दुनिया के हर कोने में जाते हैं अपने घर से। इसका श्रेय आप किसको देंगे? इज इट द पॉलिटिकल लीडरशिप, इज इट द स्पोर्ट्स लीडरशिप, या ये सबका मिला जुला है? देखो मिला जुला तो है सबका, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन का फर्क आया है, ये एजुकेशन हमारे ब्लड में आई है, इसलिए हम लोगों ने चीजों को समझना शुरू किया, इसलिए हम लोगों ने इतने वेज ढूंढने शुरू किए हैं कि हम इस वे में डाल सकते हैं, इस वे में काम कर सकते हैं, तो एजुकेशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है जो हमारे कल्चर को क्रिएट किया है। तो सपोर्ट तो सारे लोगों ने किया है, पॉलिटिकल भी आप देखो, अब अकेला पॉलिटिकल को ही नहीं बोल सकते, क्योंकि भारत की जनता ने भी इस चीज को सपोर्ट किया है, इस चीज को एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से बहुत अपने तरीके से मतलब सॉर्टेड होके मोहम्मद शमी भाई ने जवाब दिया, हालांकि रूबिका आराम से एवरी टाइम वो बात कर रहे थे, बट रूबिका लियाकत को मुझे लगता है, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट वो बार बार अगर पॉलिटिक्स पे ले आ रही है, आई थिंक उसको प्रेशर डाला जाता है बिफोर एंकरिंग की आज तुम्हें ये सब क्वेश्चन पूछना ही है ताकि हमारा टीआरपी बढ़े, और उनसे किसी भी हाल में पॉलिटिकल वाला कुछ ऐसा मुद्दा निकलवा लो या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में वाह वाही जोड़ लो ताकि हमारा टीआरपी बढ़ जाए।
है और एक्चुअली यू नो व्हाट इज बिकॉज अगर वो स्पोर्ट्स का बात कर रहे हैं एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कौन ले आ रहे हो अगर पॉलिटिक्स ही ले आओगे तो फिर दूसरे मुद्दे पे भी बात करो इन्फ्लेशन प्राइस राइज मुझे वहाँ पे वो चीज बहुत अच्छा लगा जहाँ पर उन्होंने शमी भाई ने वो बोला ना जैसे रूबीका ने सवाल किया कि क्या अच्छा लगता है तो उन्होंने बोला मुझे चोरी चकारी जो आजकल चलते जाते हैं गुस्सा आता है जो चोरी चकारी है उनपे बहुत गुस्सा आता है उनको और उन्होंने वो भी बोला कि ईमानदारी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एंड पॉकेट जवाब दिया एंड दिस इज द मतलब बेसिक ऑफ अ लीडर मतलब जो बोल रहे ना कि हाँ अपनी टीम को लेकर वो आगे कैसे बढ़े वो दैट इज उनका उनका क्वालिटीज ही मतलब इतना अच्छा लगता है कि वो ईमानदार के साथ साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग है मतलब तो उन्होंने ये भी बोला कि हमें किसी मतलब किसी मजहब से इशू नहीं है तो हमें भी कोई मतलब उन्हें साफ बोला कि हम भी किस कोई ये नहीं है जो हमको सजदा करने से रोक सकता है उन्होंने जैसे पहले बोला डेमोक्रेटिक कंट्री आई थिंक ही फॉलोज दिस प्रिंसिपल लिव एंड लेट लिव एग्जैक्टली सो बहुत अच्छा लगा आप लोग बताइएगा दोस्तों रूबीका लियाकत की फेस एकदम देखने लायक था मीम्स वाला फेस बन गया बहुत सारे मीम्स बनेंगे पता है इस पार्ट पे तो बहुत सारे मीम्स बनने वाले हैं आप लोग बताइएगा दोस्तों अच्छा लग रहा है कमेंट में जरूर से बताएं आप लोगों को ऐसे और वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है तो हम लोग करेंगे कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे लग रहा है हम दोनों का रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए जाए तमाम जगह शेयर जरूर कीजिएगा और जरूर से आप लोग कमेंट्स में बताएं कि रूबीका लियाकत की जो धज्जा उड़ाई है मोहम्मद शमी भाई ने उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में लिखना ना भूले मिलेंगे एक और ऐसे ही खतरनाक वीडियो में जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा टाटा अल्लाह हाफिज बाय बाय